हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रिक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें प्रॉब्लम दिया है, अ बॉडी ऑफ वेट 1000 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव इट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन। हमें क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस तरह, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ड्रॉ करने के बाद बॉडी का जो वेट है वो 1000 न्यूटन हमें दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं। W इज इक्वल्स टू, मतलब कि वेट जो है उसका 1000 न्यूटन, और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर R से डिनोट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से और एक लाइन बनानी है, और यहाँ पर जो है उस वेट को जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स जो है उसे रिक्वायर्ड है उसे पुल करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पी इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, पी इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। अब हमें बोला है कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन। तो अब सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हम इस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो लेना है। तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो वर्टिकल फोर्सेस है ये वर्टिकल फोर्सेस उसे हमें लेना है और उसकी जो वैल्यू इक्वल्स टू जीरो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स जो है हमारा ऊपर की तरफ जो है वो प्लस होगा और नीचे की तरफ माइनस, कुछ इस तरह से ये वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। तो हम सबसे पहले आर यहाँ पर लेंगे और दूसरा वर्टिकल फोर्स जो है नीचे की तरफ जो है माइनस 1000 इज इक्वल्स टू जीरो। तो आर की वैल्यू हो गई, ये माइनस 1000 इधर की तरफ आया तो ये हो गया 1000 न्यूटन। अब हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला है, उसके बाद हम सेकंड निकालेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए हमें सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेना है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पर लेफ्ट साइड को हमें माइनस लेना है और राइट साइड को हमें प्लस लेना है। तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स मतलब कि माइनस एफ, ये जो है एफ ये हो गया माइनस एफ, और ये पी 100 है तो प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये प्लस 100 इधर की तरफ गया तो ये माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस 100। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन हो गया। तो हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब थर्ड जो है हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमारे पास यहां पर फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमारे पास जो है एफ की वैल्यू है और यहाँ पर आर की वैल्यू जो है हमने निकाली, यहाँ पर एफ की वैल्यू 100 न्यूटन, आर की वैल्यू 1000 न्यूटन। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू जो है यहाँ पर 100 है, एफ की वैल्यू 100 और आर की वैल्यू जो है वो 1000 है। तो
म्यू की जो वैल्यू हो गई, म्यू इज इक्वल्स टू 0.1। म्यू की वैल्यू जो है वो 0.1 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, म्यू इज इक्वल्स टू 0.1। म्यू की जो वैल्यू है वो 0.1, 0 से लेके 1 तक आनी चाहिए, तो फिर आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो फिर अब फोर्थ जो है, हमें बताया कि रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए यहाँ पर रिजल्टेंट रिएक्शन, अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वेयर जो है उसका फॉर्मूला है। तो हम यस इज इक्वल्स टू, हमें आर की वैल्यू जो है यहाँ पर पता है जो कि है 1000 अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस म्यू स्क्वेयर, मतलब कि यहाँ पर हमने म्यू निकाला है तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वेयर। तो एस की जो वैल्यू है वो आ गए 1004.98 न्यूटन। तो ये जो है वो हमें मिल गई रिजल्टेंट रिएक्शन। तो हमने इस तरह नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो निकाला है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप वह सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।